असलम एवरी वन वेलकम टू व्यूलिश इन टू टीच यू असेंशियल वोब्ररी वर्ड्स फॉर स्पोकन इंग्लिश दीज असेंशियल वरी वर्ड्स विल हेल्प यू टू एक्सप्रेस द वेज वी लुक एट थिंग्स सो लट्स बिगेन आर फर्स्ट वर्ड इज गेज गेज इज अ नाउन एंड वर्ब एज वेल एंड इट मीन्स टू लुक एट समन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आउट ऑफ शॉक और एडमरेशन देखें गेज जो है वह एज ए नाउन भी यूज़ करते हैं एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को आप काफ़ी देर तक उसको देखते रहें मतलब उसमें जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो बहुत देर तक आप बैठे हैं बस या आप खड़े हैं और आप किसी इंसान को देख रहे हैं या किसी चीज़ को देख रहे हैं किसी सीन को देख रहे हैं जैसे हम किसी जगह पर कभी खामोशी वाली जगह पर बैठे होते हैं ना और हमें हम कोई सामने बड़ा खूबसूरत सा कोई सीन है या बच्चे जैसे खेल रहे हो या कोई भी जैसा सीन हो हमको काफी देर तक उसको जो है ना वो देखते रहे तो वी आर गेजिंग ठीक है इसको गेज करना कहते हैं समटाइम्स uh, जो है प्यार से किसी की तरफ देखना uh, क्योंकि ये जो लंबे पीरियड के लिए देखना होता है या तो आप आप जिस भी चीज को देख रहे हैं वो चीज आपको बहुत पसंद आ रही है इसलिए आप उसको देख रहे हैं आपको उस पर प्यार आ रहा है इसलिए आप उसको देख रहे हैं जैसे मदर्स अपने बच्चों को देखती हैं ठीक है थीके? तो वो गेज करना होता है जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं क्योंकि हमें अपने अपने पेरेंट्स से प्यार होता है तो आप काफी देर तक आप खामोशी से बैठे देखते रहे ठीक है वो कोई चीज हो सकती है कोई सीन हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कि जिसको आप बस खामोशी से काफी देर तक आप उसको देखते रहें ठीक है तो ये गेज करना कहलाता है ठीक है ये गेजिंग है ठीक है अच्छा अब इसमें एक और चीज भी है जब इनको ऐसे नाउन यूज करेंगे तो तब इसका मतलब होता है आपकी निगाहें ठीक है निगाहें जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना वो भी गेज होता है ठीक है जिसको जिसकी वजह से मैंने इसके जो सेंटेंसेज हैं वो तीन बनाए जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ये सुनते हैं ना लॉयर गेज अपनी निगाहें नीचे रखें ठीक है तो निगाहें नीचे रखना यहां पर हमने एज ए नाउन इस वर्ड को यूज किया है कि लोअर योर गेज के अपनी निगाहें नीचे रखो या नीचे रखना ठीक है अच्छा और सेकेंड इसी तरह से मैंने इसका जो एज ए वर्ब जो है इसका मीनिंग उसमें इसका सेंटेंस बनाया कि शी सिटिंग इन द विंडो एंड गेजिंग एट द चिल्ड्रन प्लेइंग ठीक है कि, कि वो खिड़की खिड़कपीकी पर बैठी हुई थी और गेज कर रही थी मतलब कि काफी देर तक खामोशी से वो बच्चे खेल रहे थे तो उनको देखती जा रही थी ठीक है तो किसी भी जगह पे जैसे आप किसी समुद्र के किनारे पे बैठे हुए किसी भी जगह पे आप बैठे और आप किसी चीज को बहुत देर तक खामोशी से देखते रहे तो यू आर गेजिंग ठीक है जी अच्छा जी इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है स्टेयर अब जो स्टेयर है ना मतलब इसका भी वही है कि आप किसी इंसान को किसी चीज को वैसे ये स्टेयर जो है वो इंसानों के लिए यूज होता है ज़्यादातर ठीक है आप काफ़ी देर तक उसको घूरते रहे जो घूरना है ना देखें गेज जो है ना ये पॉजिटिव है पॉजिटिव वर्ड है दोनों में ओब्वियसली आप किसी इंसान को किसी चीज़ को बहुत देर तक देख देखने को कहते हैं लेकिन गेज में पॉजिटिविटी है क्योंकि आप उसको मोहब्बत से प्यार से प्यार की वजह से एडमोरेशन की वजह से आप किसी इंसान को देख रहे हैं किसी चीज़ को देख रहे हैं ठीक है स्टेयर जो है ना ये नेगेटिव है इसको इसी वजह से इसका जो उर्दू में जो इसका प्रॉपर मीनिंग बनता है वो घूरना बनता है ठीक है कि किसी को घूरना किसी इंसान को घूरना किसी चीज़ को घूरना ज़्यादातर इंसानों को घूरने के लिए जो ना ये वर्ड यूज होता है इसमें थोड़ी सी नेगेटिव जो है ना वो इसका मीनिंग आता है क्योंकि घूरने के पीछे थोड़ा जो कहते हैं कि नेगेटिव सी सेंस होती है घूरने में ठीक है गेज होता है कि आप मोहब्बत से प्यार से देख रहे हैं आपको वो चीज़ पसंद आ रही है ठीक है अच्छा जी जैसे सेंटेंस इसका बनाया कि शी ईस्टरिंग एट मी मतलब वो मुझे घूर क्यों रही है ठीक है तो ये जो घूरना है ना इस इस मीनिंग में आता है अब जी नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी पीक पीक भी नाउन और वर्ब के तौर पे दोनों तौर पे यूज़ होता है और इसका मतलब होता है कि आ, किसी जगह जाहिर बात है इसका भी मतलब घूरना ही होता है लेकिन आ, पीक को आ, ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को चुपके से देखते हैं ठीक है यू आर पीकिंग चुपके से किसी चीज़ को देखना कि आप नजर ना आए आप खुद खुद को छुपा रहे हैं ठीक है तो स्टेल्थली किसी चीज़ को देखना चुपके से देखना कि आ, वो पीक करना कहलाता है जैसे कि इसके सेंटेंसेस से इसीलिए मैंने तीन बनाए हैं शी पीक बिहाइंड द डोर मतलब दरवाजे के पीछे से उसने चुपके से देखा ठीक है तो पीक किया उसको जैसे होता ना, है ना खातीन करती हैं दरवाजे के पीछे से बाहर को देखती हैं थोड़ा सा कि वो खुद नजर ना आए लेकिन वो पीछे से देख रहे हैं कर्टन के पीछे से किसी को देखना ठीक है तो ये पीक करना कहलाता है कि आप खुद को छुपा रहे हैं और फिर देख रहे हैं जैसे से कि क्लोज योर आइस एंड डोंट पीक अब ये भी आता है डोंट पीक मतलब कि देखो नहीं क्लोज योर आइस जैसे हम किसी को कहते हैं ना अपनी आंखें बंद करो और देखो देखना नहीं तुमने ठीक है जो हम इस तरह से कहते हैं तो उसका भी मतलब ये अब देखो अगर आपने किसी को कहा ना क्लोज योर आइस तो किसी ने आंखें बंद किए तो जाहिर बात है थो थोड़ी सी आंख खोल देखने की कोशिश करेगा तो वो चुपके से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना या कर रही है जो भी तो वो पीक होता है तो भी उसको कहा जाता है कि देखना नहीं के लिए मतलब इंग्लिश में बोला जाता है कि डोंट पीक मत देखना ठीक है या जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो खोल कर गिफ्ट को देखने की हल्की सी कोशिश करे तो आप तब भी आप उसको डोंट पीक मतलब कि चुपके से देखने की कोशिश मत करो जैसे सम्ट होता है ना समाइम हम कहते हैं कि अभी मत देखो इस चीज को थोड़ी देर बाद देखना ये सांसे करके तो ये उस मीनिंग में जो है ना वो यूज होता है जैसे कि इट इज अ बैड मैनर टू पीक इन समझ कि किसी के घर में चुपके से ऐसे झांकना जिसको कहलाते रहा है ना घूरना सॉरी नहीं उसका उर्दू में मीनिंग होगा इसका झांकना उर्दू में सही मीनिंग होगा कि जब कहते ना कि ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी के घर में ऐसे खाम ख़वाहा में झांके अक्सर लोगों को आदत होती है ना छत के ऊपर से किसी के घर के अंदर झांकने की कोशिश करना या खुले दरवाजे में से अगर किसी के घर का दरवाज़ा खुला है तो वो ऐसे ही झाँकने की कोशिश करना ठीक है तो दे ट्राई टू पीक इन वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है जी अच्छा जी पीक ही की तरह पे पीप भी वर्ड है मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है इसका लेकिन पीप में थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है पीक का मतलब यही होता है ना कि छुपके से देखना कि आप नजर ना आए ठीक है पीप का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को चुपके से देखना कि आप नजर ना आए लेकिन पीप में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये आ जाता है कि कोई छोटी सी जो नैरो स्पेस में से नैरो ओपनिंग में से जो है ना वो आप किसी चीज़ को देखना देखने की कोशिश करना जैसे कहीं पर कोई दीवार में कोई सुराख है दरवाजे में कोई सुराख है या वो जो की होल होता है उसमें से मतलब कि एक नैरो ओपनिंग हो और उसकी अंदर से चुपके से देखने की कोशिश करना ठीक है वो पीप करना कहलाता है ठीक है मतलब दोनों को ऑलमोस्ट सेम है पीप और पीक में सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता है कि पीप आपका होता है जब आप किसी बहुत छोटी सी स्पेस में से कोई सुराख है कोई छोटी सी ओपनिंग है उसमें से जो है ना वो देखने की कोशिश करना जैसे कि शी पीप्ड इन टू द रूम थ्रू द की होल कि उसने जो ना कमरे के अंदर जो चुपके से झांका जो ना वो जो की होल होता है ना उसके थ्रू जो ना उसने झांका ठीक है वो चूंकि छोटी सी नेरो ओपनिंग होती है की होल की तो उसमें से झांकने की कोशिश की अच्छा जी लियर लियर जो है ना ये वर्ब है और ये लियर वर्ड जो है ये मर्दों के लिए यूज़ होता है वैन uh, uh, um, मतलब कि टू लुक एट समवन और समथिंग इन अनफ्लेजेंट वे देखें ये मर्दों के लिए यूज़ होता है लियर वर्ड जब वो किसी लड़की की तरफ या किसी औरत की तरफ uh, बहुत ही बुरे तरीके से देख रहे होते हैं एक जिसको हम उर्दू में कहते हैं गंदी नज़र से देखना ठीक है जाहिर बात है घूरना ही इसमें कहलाएगा लेकिन स्टेयर का मतलब भी घूरना होता है लेकिन स्टेयर जो है ना उसमें नेगेटिव uh, तो है स्टेयर वर्ड लेकिन उसके अंदर uh, मतलब वो वाली चीज़ नहीं होती जैसे होता तो ना औरत को गंदी नज़र से देखना वो चीज़ नहीं होती स्टेयर में ठीक है लेयर जो ना वो स्पेसिफिकली उन मर्दों के लिए यूज होता है जो किसी खातून की तरफ एक बुरी निगाह से या एक गंदी निगाह से जो देखते हैं ना वो लियर कहलाता है ठीक uh, uh, है जैसे कि सेंटेंस ये है कि एट द पार्टी ही वॉज लियरिंग एट मी द होल टाइम के पार्टी पे वो मतलब कि हर वक्त सारा वक्त ना वो सिर्फ मेरी तरफ ही ना बड़ी गंदी निगाह से देख रहा था तो बहुत बुरी निगाह से देख रहा था ठीक तो है वो वर्ड के आप किसी चीज को घूर रहे हैं बड़े गौर से देख रहे हैं ठीक है ऐसे करके लेकिन उसमें वो इंटेंशन गंदी वाली नहीं है लियर के पीछे जो घूरने वाला आदमी है उसकी इंटेंशन गंदी वाली है ठीक है जी बस ये इसमें फर्क है अच्छा जी नेक्स्ट है जी स्क्विंट स्क्विंट भी वर्ब है और इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को ना अपनी आंखों को थोड़ा सा क्लोज करके ना जैसे बंद करते हैं हम थोड़ी सी आंखें खोल के थोड़ा सा आंखों को बंद करके कोई दूर चीज़ है या कोई चीज़ बहुत छोटी सी लिखी हुई है तो आप उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को देखने की या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको स्क्विंट करना कहते हैं अक्सर आप देखिएगा कोई चीज़ बहुत दूर है ना तो हम अक्सर उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हो ना तो अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करते हैं या कोई चीज़ आपके सामने लिखी हुई ऐसी आ रही है कि जो बहुत छोटी लिखी हुई है तो उसको पढ़ने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो अक्सर हम अपनी आंखों को यूं थोड़ा सा ना बंद करते हैं तो ये जो आंखों को थोड़ा सा बंद करके और फिर किसी चीज़ पे फोकस कर करने की कोशिश करें हम उस चीज़ को देखने की या पढ़ने की कोशिश करें तो उसको स्क्विंट करना कहते हैं ठीक है जैसे कि इसका मैंने सेंटेंस ये बनाया कि शी स्क्विंटेड हर आइज टू फोकस ऑन नंबर्स कहीं पर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं वो पढ़े नहीं जा रहे हैं तो उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा स्क्विंट किया मतलब कि अपनी आंखों को थोड़ा सा क्लोज किया ऐसे बंद किया और फिर जो है ना उसको देखने की उसने कोशिश की उसको फोकस करने की पढ़ने की उन नंबर्स को कोशिश की ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास वो है गेप. आ, गेप जो है जो ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी इंसान या किसी चीज की तरफ आ, ऐसे देखना जबकि आप जो है ना वो बड़े सरप्राइज में और आप, जैसे होता है ना एकदम से कोई सरप्राइज आपके सामने आ जाए और आप अपना मुंह खोल के ऐसे ऐसे उस चीज की तरफ देखते हैं मुंह भी खुला होता है और आंखें भी बड़ी हो जाती है ठीक है ये जो सरप्राइज में किसी चीज को देखना जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आ, गिफ्ट आपके सामने आया आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको वो इंसान गिफ्ट देगा तो वो गिफ्ट को गिफ्ट को देखकर आपको आप चीज ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा चाहिए थी और किसी ने आपको गिफ्ट में वही चीज दे दी थी तो एकदम एक से आपको पूरा मुंह खोल के ऐसी पूरी आंखें खोल के आप उस चीज को देखते ना तो वो गेप करना कहते यू आर गेपिंग एट दैट गिफ्ट ठीक है कि आप उस गिफ्ट के ऊपर गेप कर रहे थे मतलब उसको बहुत सरप्राइज मुंह भी खोल लिया पूरा आंखें भी पूरी खोल ली और फिर आप उस चीज को देख रहे हैं तो यू आर गेपिंग ठीक है जैसे कि आई गेव ही मरप्राइज विजिट एंड ही वॉज गेपिंग एट मी मतलब आप, आप किसी के घर गए हैं कोई इंसान है आ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप उसे मिलने चले जाएंगे और आपने उसको सरप्राइज़ विज़िट ये होता है कि किसी इंसान को आ, मतलब उसको बताए बग़ैर और वो एक्सपेक्ट भी ना कर रहा और एकदम से आप उसको मिलने के लिए चले जाएं तो वो सरप्राइज़ विजिट होता है ठीक तो है तो आई गेव यू मैं सरप्राइज़ विजिट मतलब कि मैं अचानक से बगैर बताए उसे मिलने चला गया और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए या मैं आ जाऊँगी एंड ही वॉज गेपिंग एट मुझे देख के जो है ना

बिस्किट जो मेहमानों के सामने रखे हुए गेस्ट के सामने उसमें से अगर हम एक बिस्किट ले लेते थे तो अम्मी की दूर से घूरी आती थी तो वो जो घूरी है ना गुस्से वाली वो ग्लेयर कहलाती है ठीक है जी ओके okay जी फ्रेंड्स आई होप कि ये इंटरेस्टिंग था लेसन आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है और इसको आप अपनी डेली जो कन्वर्सेशन है उसमें यूज़ कीजिए डिफरेंट सिचुएशन में जब आपने ये बताना है कि उसने ऐसे देखा वैसे देखा है उसकी किसी के देखने के अंदाज को अगर आपने एक्सप्रेस करना है डिफरेंट सिचुएशन में तो ये वोकैबुलरी आपको वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेगी आई होप कि ये इंटरेस्टिंग लेसन था ना इसक से is.